मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में हड़ताली मुलाजमीन डट गए, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। यूनियन का कहना है कि हुकूमत के साथ चंद मामलात पर पेशरफ्त हुई है, हड़तालों का सिलसिला स्ट्रेटेजिक शोबों तक बढ़ा सकते हैं। कनाडा ने सूडान में अपना ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन हुकाम का कहना था कि सूडान में मौजूद अपने शहरियों की मदद के लिए काम करते रहेंगे। कैनेडियन सिफारत खाना मुनासिब वक्त पर खरतूम में अपना काम दोबारा शुरू कर देगा। क्रीमिया तारीखी तौर पर रूस का हिस्सा है, चीन के बयान पर मगरबी ममालिक नाराज। चीनी सफीर का मजीद कहना था कि साबिक सोवियत यूनियन ममालिक की बैन अल-अक़वामी कानून में कोई हकीकी हैसियत नहीं, इन ममालिक के खुद मुख्तारी के हवाले से कोई आलमी मुहायदा नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. दसियों हजार हड़ताले वफाकी कारकुनों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने कहा है कि अपने मुतालबात के हक में हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दसियों हजार हड़ताली वफाकी कारकुनों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने कहा कि पीर से शुरू होने वाली ये पिकेट लाइनों को स्ट्रेटेजिक मकामात पर मुंतकिल कर देगी, जिसका मकसद हुकूमत पर दबाव को बढ़ाना है। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के कौमी सदर क्रिस अलवर्ड ने कौमी हड़ताल के पांचवें दिन ई इंटरव्यू में कहा कि मुल्क भर में धरने का सिलसिला जारी, जबकि कुछ सरकारी खिदमात, इनकम टैक्स, पासपोर्ट और इमिग्रेशन के शोबे मुतासिर हुए हैं। यूनियन कोशिश कर रही है कि आम लोगों के लिए हर मुमकिन हद तक खलल ना डाले। उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि कौन से मखसूस मकामात शामिल हो सकते हैं, ये कहते हुए कि पिकेट्स स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बना सकते हैं, जिनका असर हुकूमत पर और ख़ास तौर पर महसूलात के सिलसिले पर भी पड़ने वाला है। यूनियन और ट्रेजरी बोर्ड के दरमियान हफ्ते के आखिर में बातचीत जारी रही, जो सरकारी मुलाजमीन का बाकायदा आजर है और इसकी सरबराही ट्रेजरी बोर्ड की सदर मोना फॉर्टियर कर रही हैं। इतवार की रात यूनियन ने कहा कि दूर दराज के काम और ट्रेजरी बोर्ड के मुलाजमीन की उजरत में इजाफे के साथ हड़ताल एक करारदाद के करीब थी। PSAC ने एक बयान में कहा कि रेवेन्यू एजेंसी के कारकुनों के लिए एक डील के बारे में जारी बातचीत के दरमियान हड़ताल अभी तक जारी रहेगी। अलवर्ड ने कहा, ट्रेजरी बोर्ड में हमने दूर दराज के काम की जबान पर कुछ पेशरफ की है और दोनों अतराफ उजरत में इजाफे के हल के करीब
जाने के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रेवेन्यू एजेंसी के कारकुनों की उजरतों में इजाफे के बारे में हुकूमत के साथ बातचीत में पेशरफ नहीं हुई है। तनाजे के दोनों फरीकों ने इत्तेफाक किया कि उनके दरमियान तीन अहम खदशात, उजरत, दूर दराज का काम और बरतरफी के दौरान सीनियोरिटी के मसले पर अभी भी फासला है, जिन्होंने अब तक मुज़ाकरात को मुतहरिक किया है। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कैनेडा आर्जी तौर पर सूडान में ऑपरेशन मुअत्तल कर रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडा ने सूडान में अपना ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कैनेडा आर्जी तौर पर सूडान में ऑपरेशन मुअत्तल कर रहा है। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने एक बयान में कहा कि सूडान में सूरत हाल तेजी से खराब हुई है, जिससे खरतूम में अपने अमले की हिफाजत और हिफाजत करना नामुमकिन हो गया है। कैनेडा के सफारतकार अभी भी मुल्क में मौजूद कैनेडियंस की मदद के लिए मुल्क से बाहर किसी महफूज मकाम से काम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पहले ऐलान किया था कि उसने खरतूम में अपने सफारतखाने में जाती तौर पर कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी हैं। इतवार के बयान में कहा गया है कि कैनेडियन सफारतखाना खरतूम में अपना काम दोबारा शुरू कर देगा, जैसे ही सूडान की सूरत हाल हमें मुनासिब सर्विस और अपने अमले के लिए हिफाजत और हिफाजत की जमानत देगी। गैर मुल्की हुकूमतों ने इतवार के रोज सूडान में फंसे सिफारतकारों, अमले और दीगर अफराद को निकाल लिया, क्योंकि हरीफ जर्नेलों ने 90 दिन तक जंग बंदी की, जिसका ऐलान ईद की बड़ी तातील के लिए किया गया था। जबकि अमरीका और बरतानिया जैसी आलमी ताकतों ने दारुल हुकूमत खरतूम से अपने सिफारतकारों को हवाई जहाज से शिफ्ट किया। सूडानी शहरियों ने शिद्दत से अफरा तफरी से भागने की कोशिश की। बहुत से लोग जिन्होंने सफ़र किया वो महफूज मकामात की तलाश के लिए खतरनाक सड़कों का खतरा मोल लेकर या शुमाली सरहद अबूर करके मिस्र पहुंचे। नेडा के ताज़ा बयान में इनखिला की कोशिशों के बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई। हफ्ते के रोज़ वफाकी हुकूमत ने कहा कि हवाई रास्ते से इनखिला मुमकिन नहीं है और ये कि इसके अहलकार बहरान से निमटने के लिए दूसरे ममालिक के साथ हम आहंगी कर रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के मुताबिक हफ्ते तक तकरीबन 1600 कैनेडियन सूडान में रजिस्टर्ड थे। फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक ने फ्रांस में चीन के सफीर लॉ शाई के यूक्रेन के खुद मुख्तारी से मुतालिक सवाल उठाने पर नाराजगी का इजहार किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक ने फ्रांस में चीन के सफीर लॉ शाई के यूक्रेन के खुद मुख्तारी से मुतालिक सवाल उठाने पर नाराजगी का इजहार किया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हुई एक कॉन्फ्रेंस में ये पूछे जाने पर कि आया क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है या नहीं, चीनी सफीर लॉ शाई ने कहा कि तारीखी तौर पर यह रूस का हिस्सा है और इसे साबिक सोवियत रहनुमा निकिता ख्रोशेव ने यूक्रेन को पेश किया था। लोशाय ने मजीद कहा कि साबिक सोवियत यूनियन ममालिक की बैन अल-अक़वामी कानून में कोई हकीकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके खुद मुख्तारी के हवाले से कोई आलमी मुहैदा नहीं हुआ। चीनी सफीर के बयान पर फ्रांसीसी वजारत खारजा ने तमाम इत्तेहादी ममालिक के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया और कहा कि 1991 में यूक्रेन की सरहदों को पूरी बैन अल-अक़वामी बिरादरी बशमूल चीन ने आलमी सतह पर तस्लीम किया था। दूसरी जानिब रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि उनका मुल्क अक़वामे मुत्तहिदा के दौरे पर पीर और मंगल को उनके साथ आने वाले रूसी सहाफियों को वीजा देने से इनकार करने पर अमरीका को मुआफ नहीं करेगा। मुज़म्मत करते हुए इसे मज़ाक़ खेज और बुज़दिलाना करार दिया। न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने कहा कि हम भूलेंगे नहीं और मुआफ नहीं करेंगे। कबल अजी उन्होंने रूसी सहाफियों को वीजे जारी न करने के अमरीकी फैसले की मुज़म्मत की थी और इसे बुज़दिलाना इकदाम करार दिया था। लारोफ की एक वीडियो जिसे रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरोवा ने अपने चैनल टेलीग्राम पर नशर की, उसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क जो खुद को मजबूत, होशियार, आज़ाद और सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद कहता है, मुझे यकीन है कि इस अमल ने आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई के तहफ्फुज़ में सच्चाई के दावों को गलत साबित कर दिया है।